हेलो गाइस, रिसेंटली एक दोस्त की शादी पे जब मैं गया तो वहाँ पर उसकी हल्दी की रस्म चल रही थी। हल्दी से ज़्यादा गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो है बीडो की टर्मरिक फेस स्क्रब पे, जो कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक, मतलब हल्दी। हल्दी के काफ़ी गुण हैं। जब हमारे इंडिया में शादी होती है तो हल्दी का इस्तेमाल होता है कि स्किन से जो इम्प्योरिटीज हैं वो दूर हों और स्किन थोड़ी शाइन करे और ग्लो करे। वीडियो के ऑलरेडी 3 फेस स्क्रब मार्केट में आ चुके हैं, जो कि है चारकोल फेस स्क्रब, डी टैन फेस स्क्रब और ये है टर्मरिक फेस स्क्रब, जो कि है बीडो कंपनी का। काफ़ी अच्छी कंपनी है बीडो, द मैन कंपनी, वाओ। ये आजकल काफ़ी अच्छी कंपनी जो मैन के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं बना रही हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करना है और क्या रिज़ल्ट है इस फेस स्क्रब का। इस वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ राजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरजे टेकी। अगर सबसे पहले अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो बीडो ने अपनी जो पैकेजिंग है इस फेस स्क्रब भी वो सेम रखी है, जैसे कि इसका चारकोल फेस स्क्रब या फिर D10 फेस स्क्रब आया था वो सेम ही डिब्बी में था, ब्लैक कलर की। और यहाँ पर बीडो की ब्रांडिंग और यहाँ पर टर्मरिक फेस स्क्रब लिखा गया है और सेम है। और ये आती है 100 ग्राम के इस डब्बी में और इसको अभी मैं खोल के बताता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर सील पैक जो है हमें दिया गया है और यहाँ पर देखिए इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज कलर से आप समझ सकते हो कि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी का इस्तेमाल किया गया है, टर्मरिक का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए इसका कलर जो है वो हल्दी टाइप है या ऑरेंज है। और ये देखिए काफ़ी थिक तरह का और सॉफ्ट टाइप ऑफ फेस स्क्रब है। और बात करूँ इसकी स्मेल की, नेचुरल हल्दी की तरह इसकी जो स्मेल काफ़ी अच्छी है। और देखें इसको कैसे लगाना है, तो गाइस इसको आपको अपने पूरे फेस पे लगा लेना है, अपने चिक्स पे, फोरहेड पे और अपने आईज को बचा के रखना है। हल्दी जैसी पूरी स्मेल इसमें आ रही है मेरे को कि जैसे मैं हल्दी का लेप लगा रहा हूँ, बचपन में हम हल्दी का लेप लगाते थे, वैसा टाइप ऑफ फीलिंग आ रहा है इसको लगाते समय। तो इसको पूरा अपने फोरहेड या चिक्स पे लगाने के बाद हमें उंगली से सर्कल मोशन पे इसको रब करना है पूरी स्किन पे, जिससे कि आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं स्किन से वो क्लीन हो जाएंगी। इसको वॉश करना है, नॉर्मल वाटर से आप इसको वॉश करिए। और इसको वॉश करने पे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी नहीं होता है, नॉर्मली थोड़े से पानी में ये फेस को पूरा क्लीन कर देती है। और ये देखिए धोने के बाद फेस का काफ़ी ग्लो आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज इसको यूज़ करने की विधि इस प्रकार थी। और इसको हमें डेली यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे इसको डेली यूज़ करेंगे तो ये हमारी स्किन को ड्राई कर देगा, तो जिसे कुछ की स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो यहाँ पर इसमें मेन जो हैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो आपके सामने अवेलेबल हैं। आप इसको पढ़ सकते हो कि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट और वॉलनट स्क्रबिंग बीट्स, ये सब जो हैं इसमें यूज़ किए गए हैं। और किसी प्रकार के केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि पैराबेन सल्फेट केमिकल्स का जो है इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यह है बीडो का टर्मरिक फेस स्क्रब। तो देखें इसकी प्राइसिंग, तो बॉक्स पे या फिर पैक पे इसकी जो प्राइस है वो 350 लिखा गया है, पर आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। काफ़ी डिस्काउंट में आपको ये वहाँ से मिल सकता है, अराउंड 200 तक ये आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मिल सकता है। लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप लीजिए। और गाइज ये था वीडियो बीडो के टर्मरिक फेस स्क्रब भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से
सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी कर दीजिए क्लिक। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस बीडो फेस स्क्रब के बारे में तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आपके सभी कमेंट्स का आंसर देने का कोशिश करूंगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इट्स आरजे टेक की।